हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 221। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ए फीमेल क्लाइंट विद अ डायग्नोसिस ऑफ बाईपोलर डिसऑर्डर। तो चलिए सबसे पहले तो इसके नीचे अंडरलाइन करनी है। क्वेश्चन में जो भी ट्रिक आपको लग रहा है कि ये काम आ सकता है, उसके नीचे सबसे पहले अंडरलाइन करनी होती है। तो वो बाईपोलर डिसऑर्डर का केस है, लेकिन देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। डिप्रेसिव एपिसोड्स, यानी है तो उसे बाइपोलर डिसऑर्डर, लेकिन अभी वो किस फेज से गुजर रहा है? डिप्रेशन से। और जैसे कि लगातार हम क्वेश्चन डिप्रेशन की सॉल्व करते हुए आ रहे हैं पिछले कई टाइम से। हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड ऑन अ साइकेट्रिक यूनिट फॉर अ 1 वीक। कितने दिन के लिए एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में? 1 वीक के लिए, ठीक है। व्हेन शेड्यूलिंग एक्टिविटीज फॉर दिस क्लाइंट इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लान, ठीक है। नर्स क्या प्लान बनाएंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट इस क्लाइंट के लिए, ठीक है। फर्स्ट है जिगसो पजल, उसे सॉल्व करने देंगे। जिगसो पजल समझते हैं आप, जिसमें लाइक ऐसे ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। फिर इस ब्लॉक्स को इससे जोड़ा, फिर इस ब्लॉक को इस दूसरे ब्लॉक से जोड़ा, तो फिर एक पिक्चर बन जाएगी किसी एनिमल की, या कोई फेस बन जाएगा। इनको कार्ड्स होते हैं ये, मतलब पेपर की, इनको जोड़ जोड़ के हमें पिक्चर वगैरह दिखाई देने लगती है जब हम जोड़ देते हैं, या कोई वर्ड दिखाई देने लगता है, उसको जिग्सो बोलते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, अगर बाई चांस आपको समझ में नहीं आए तो आपको आंसर लगाने में मदद मिलेगी। लाइक दैट, प्ले अ गेम ऑफ कार्ड विद सेवरल अदर क्लाइंट्स। गेम ऑफ कार्ड सेवरल अदर क्लाइंट्स, ठीक। टॉक विद द नर्स, नर्स से बात करेंगे सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द डे। इंगेज इन गेम ऑफ पिंग पोंग, या फिर उसे अनदर क्लाइंट के साथ पिंग पोंग खेलने देंगे। देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन मेनिया के लिए सॉन्डर्स में दिया हुआ है, तो इस वजह से जिसने वो क्वेश्चन पढ़ रखा होता है वो स्टूडेंट इसको गलत कर देता है इस क्वेश्चन, मैंने कई बार नोटिस किया है। सबसे पहले तो फोर्थ ही हटाएंगे, पिंग पोंग इज लाइक अ टेबल टेनिस, और अनादर क्लाइंट के साथ खेलने में ये तो एक कम्पिटिटिव गेम हो गया, इसमें तो बहुत एनर्जी चाहिए, और क्लाइंट हमारा डिप्रेशन से गुजर रहा है, और वो भी केवल 1 हफ्ते के लिए आया है, तो मतलब अर्ली फेज में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था अर्ली फेज में हम ऐसी कोई हैवी एक्सरसाइज वगैरह उसे नहीं देते। कम्प्लीट ए जिगसो पजल बाई हर सेल्फ, इट नीड्स लॉट ऑफ कंसनट्रेशन। डिप्रेशन में, बाईपोलर डिसऑर्डर में उसे कंसनट्रेशन नहीं होता डिप्रेशन में, आप जानते हैं, और हम उसे माइंड गेम दे रहे हैं तो कंसंट्रेशन की कमी है, तो ये भी ठीक नहीं रहेगा। सेवरल अदर क्लाइंट्स, गेम ऑफ कार्ड, यहाँ पर भी वही बात आ गई, यहाँ 2 रीज़न है, एक तो कंसंट्रेशन और दूसरा अदर क्लाइंट के साथ इंट्रैक्शन ही नहीं करेगा वो बिल्कुल अभी। क्यों? क्योंकि अर्ली फेज में है ना वो, अगर यहाँ लेट फेज होता तो हो सकता चांस बन सकता था। तो यहाँ पर एक तो 2 रीज़न है, एक तो कंसंट्रेशन वाली बात, और एक इंट्रैक्शन नहीं करेगा, यानी क्लाइंट को हम 1-to-1 basis उसे इंटरेक्ट करने के लिए बोलेंगे नर्स से। तो इसका जो सही आंसर है, अगर आप गौर से देखें, एक बार और रिवाइज कीजिएगा इस क्वेश्चन को, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन आप इस क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज कीजिएगा, ट्रिक बनाइएगा, इसका सही आंसर है टॉक विद द नर्स सेवरल टाइम ड्यूरिंग द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, 222 क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ स्पेशल मीटिंग टू डिस्कस द फीमेल क्लाइंट, एक स्पेशल मीटिंग है, डिस्कशन चल रहा है नर्स का फीमेल क्लाइंट से। अनएक्सपेक्टेड सुसाइड, और उस फीमेल क्लाइंट ने क्या किया है, सुसाइड अटेम्प्ट किया है, मतलब सुसाइड कर लिया है उसने। वाइल ऑन अ वीकेंड पास, एक सप्ताह पहले एक क्लाइंट थी, फीमेल क्लाइंट, उसने सुसाइड कर लिया, उसके ऊपर एक स्पेशल मीटिंग चल रही है वार्ड में, ठीक है। द नर्स ओवरहेड्स अनादर क्लाइंट मोन सॉफ्टली, मोन मतलब मोनिंग करना, फुसफुसाना या बड़बड़ाना, बहुत धीरे धीरे। जैसे ही नर्स पास से गुजरती है एक दूसरे क्लाइंट के, तो जो क्लाइंट है वो धीरे धीरे बड़बड़ा रहा है कुछ। क्या बड़बड़ा रहा है? आई एम नेक्स्ट, मैं अगला मैं हूँ जो मरने वाला हूँ,
मतलब अगली मैं हूँ जो सुसाइड करने वाली हूँ, क्योंकि एक फीमेल पहले सुसाइड कर चुकी है एक सप्ताह पहले वार्ड में, तो उसको देख के दूसरा मरीज घबरा गया है और वो मोन कर रहा है कि आई एम नेक्स्ट, कि अगली मैं हूँ या मेरा नंबर है अगला, ओ माई गॉड आई एम नेक्स्ट। दे कुड नॉट प्रिवेंट हर्स, कि जब ये लोग उसे नहीं बचा पाए तो मुझे भी नहीं बचा पाएंगे और मैं अगली हूँ जो मरने वाली हूँ, एंड दे कैन नॉट प्रोटेक्ट मी, ये मुझे भी नहीं बचा पाएंगे। अब इस कंडीशन में मान लो कोई आपकी ड्यूटी चल रही है वार्ड में और कोई साइकेट्रिक पेशेंट जो डिप्रेस्ड है, जो ऐसे बोलने लग गया आपसे कि आप लोग मुझे नहीं बचा पाओगे, मैं सुसाइड करने वाली हूँ या मैं भी मर जाऊँगी या अगला नंबर मेरा है, तो आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे? बिकॉज यू ऑल आर रजिस्टर्ड नर्स हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, आप उस समय क्या सिचुएशन में डील करेंगे उसे? यू सीम्स टू बी अफ्रेड, यू विल हर्ट योर सेल्फ। अदर क्लाइंट वॉज अ लॉट सिकर, दूसरा वाला जो क्लाइंट था वो आपसे ज़्यादा बीमार था। इट्स डिफरेंट, द अदर क्लाइंट वॉज होम, जो सुसाइड किया है वो क्लाइंट घर पे था, तुम हॉस्पिटल में हो तुम्हें कुछ नहीं होगा। देयर इज नो नीड टू वरी, कोई घबराने की बात नहीं है। पासिस विल बी कैंसल्ड फॉर अ वाइल, अब कोई नहीं मरेगा कुछ दिनों के लिए। तो सबसे पहले तो यही हटा दूँ, कभी ऐसे बोल सकते हैं कि अब कोई नहीं मरेगा, पासिस नहीं होगा कुछ दिनों के लिए या कैंसिल हो गया है मरना, तो ये तो गलत हो गया पूरी तरह से। अब इन तीन में से बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन। क्यों हो गया आसान? हमने क्वेश्चन में एक हिंट बताई थी मैंने आपको कि कभी भी डिप्रेशन वाले क्लाइंट से या सुसाइड वाले क्लाइंट से कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं बोलना जो कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दे, ठीक है? आपने ये बात बोली कि तुमसे ज़्यादा बीमार था पहले वाला क्लाइंट जिसने सुसाइड किया है, कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया, अपने व्यूज़ रख ही नहीं पाएगा वो। आपने ये बात बोली कि वो घर पे था, तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया। हमें कुछ ऐसा बोलना है जिससे वो वर्बलाइज करे अपनी फीलिंग्स को, बताए अपनी फीलिंग्स के बारे में कि वो क्या सोच रहा है। तो नर्स का क्वेश्चन होगा, यू सीम्स टू बी अफ्रेड, यू विल हर्ट योर सेल्फ, कि तुम डरे हुए लग रहे हो, अफ्रेड लग रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपने आप को हर्ट करना चाहते हो, या क्या तुम अपने आप को हर्ट करोगे? उससे हम पूछेंगे तो उससे वो वर्बलाइज करेगा, भले ही वो ये ना बताए कि सुसाइड के बारे में उसके क्या विचार हैं, लेकिन हम तो हिंट पहचान सकते हैं ना उसकी बातों से, हमें तो क्लू मिल जाएगा कि कहीं उसके दिमाग में कोई सुसाइड का प्लान तो नहीं चल रहा। द राइट आंसर इज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गलत हैं क्योंकि दोनों में कम्युनिकेशन ब्लॉक हो रहा है। आराम से दोनों क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा, दोबारा वीडियो वॉच कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, अपने किसी एक फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें और उसे भी मौजवी एनक्लेक्स से अवेयर करवाएं, उसकी भी नॉलेज को इम्प्रूव करवाएं। थैंक यू एंड गुड लक।